आज भी हमारे एक्सपर्ट से समझते हैं। मितेश, आपके सिस्टम और मेथड्स जो हैं हमारे अप्रोच से भी बिल्कुल मेल खाते हैं, क्योंकि लास्ट वीक हमने भी यही एडवाइस दी थी कि इंडेक्स को एक बार वॉच लिस्ट में रखें और स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स पर ज्यादा फोकस करें। बताइए कौन से ट्रेड्स हैं इस वक्त आपके रेडार पर? तीन ट्रेड है। सबसे पहले तो टाटा मोटर में एक बड़ा मेगा ट्रेंड अनफोल्ड हुआ है बेस्ड ऑन द सिस्टम एंड मेथड। तो टाटा मोटर का अगर आप देखोगे चार्ट, तो क्वार्टरली चार्ट के ऊपर फर्स्ट टाइम अभी वो जो प्रीवियस हाई था अगले क्वार्टर का 461.50, उसको क्रॉस करके अभी टाटा मोटर एक नई पारी के लिए तैयार हो रहा है। हमारे हिसाब से टाटा मोटर्स जो है वो अभी एक मेगा ट्रेंड में आ चुका है, और अगले 1 से 3 महीने तक आप सभी एनालिस्टों के मुंह से टाटा मोटर की ही कॉल सुनेंगे, क्योंकि ये जो ट्रेंड है अभी वो रुकने वाला नहीं है। तो टाटा मोटर में हमारी खरीदारी की सलाह है, ये एक या दो क्वार्टर का लेनी है। परहैप्स अगले 1 साल में अगर पूरे ऑटो पैक में अगर कोई स्टॉक अगर शानदार रिटर्न देगा तो वो हमारे हिसाब से टाटा मोटर है। तो सबसे पहला कॉल है टाटा मोटर, जिसका टारगेट हमने इंटरमीडिएट टारगेट रखा है 536, और अल्टीमेटली वो अपना ऑल टाइम हाई जो लगाया था 2015 में 606.28 रुपया वो क्रॉस करके अल्टीमेटली 610 रुपया अगले 9 से 12 महीने में लगाएगा। तो सबसे पहले टाटा मोटर का एक मेगा ट्रेंड शुरू हुआ है, तो उसके ऊपर हमारी नजर रहनी चाहिए। जैसे अजय जी ने बताया था कि ये स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है, तो अभी स्टॉक स्पेसिफिक सिस्टम और मेथड भी वही स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज लेके आ रहे हैं, जिसके ऊपर शायद बाजार या मार्केट पार्टिसिपेंट्स को अभी एक कन्विक्शन नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे रैली बढ़ेगी वो कन्विक्शन आएगा। तो दूसरा है जस्ट डायल। जस्ट डायल में भी एक बहुत ही मेगा जो ट्रेंड है वो अनफोल्ड हुआ है, और अगर आप जस्ट डायल का चार्ट देखेंगे क्वार्टरली, तो पिछले 4 क्वार्टर में राइट फ्रॉम स्टार्टेड 30th of September 2022 एक कंसोलिडेशन जोन में है, जिसका हाई था 685 जो लास्ट क्वार्टर का था। स्टॉक अभी 642 के ऊपर क्लोज हुआ है, तो हमारे हिसाब से बहुत ही बड़ा एक ट्रेंड जो है वो जस्ट डायल में बहुत ही लंबी अवधि के बाद अनफोल्ड होगा, जिसमें पहला टारगेट हम लोग रख रहे हैं 945 का और दूसरा टारगेट रख रहे हैं हम लोग 1020 का। तीसरा है क्रिसिल। अगेन अगर आप क्रिसिल का चार्ट देखोगे तो क्लियरली हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है पिछले 2 क्वार्टरों से, और उसका जो ऑल टाइम हाई है 3863.55 जो जून 2022 के क्वार्टर में लगा था, हमको लग रहा है सूनर देन लेटर अगेन अगले 3 से 6 महीने में क्रिसिल जो है वो एक नया हाई लगाएगा, और हमारा टारगेट क्रिसिल में जो है वो अभी बढ़ के आ रहा है 4200। सो वी आर ऑफ द व्यू कि ये तो 3 स्टॉक्स है, जस्ट डायल, क्रिसिल और टाटा मोटर, उसमें एक मेगा ट्रेंड अनफोल्ड हो रहा है और अगले 3 से 6 महीने में बहुत ही बड़ी तेजी इन तीनों स्टॉक्स में देखने के लिए मिलेगी। मिथिलेश, आपके पोजिशनल कॉल्स होते हैं टाटा मोटर्स पे 600 के ऊपर का टारगेट यानी ऑल टाइम हाई के पास, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग। और जस्ट डायल जो आपने पिक किया, आज उसके नंबर्स भी हैं, तो ये तो स्टॉक्स वॉच आउट लिस्ट पे हैं ही। प्रशांत कहाँ बेट कर रहे हैं? प्रशांत, इंट्राडे बेट्स हैं आपकी, बताएं कहाँ आज होनी चाहिए नजर? जी प्रियंका, इंट्राडे बेट्स नहीं होंगी, थोड़ा एक पोजिशनल व्यू रखूंगा, और 2 स्टॉक्स मुझे लग रहे हैं जो एक ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हो सकती है, ऐसे स्टॉक्स होंगे। फर्स्ट होगा वोल्टास, यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 800 के जस्ट नीचे, क्लोजिंग बेसिस स्पॉट हम मान के चलेंगे 795 के जोन को, और पोजिशनली होल्ड करूंगा टारगेट 870-885। मुझे लग रहा है ये अब एक बेस बहुत स्ट्रॉन्ग बन, दोनों ही स्टॉक्स मैंने ऐसे चुने हैं प्रियंका जहाँ पे बेस अच्छी बनी है और यहाँ से हम अच्छी रैली देख सकते हैं। और नेक्स्ट पीको का बाटा, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 1390 स्पॉट क्लोजिंग बेसिस, टारगेट होगा 1465। इस स्टॉक में जिस वक्त हम 1445 के ऊपर क्लोज होंगे, मेरी सलाह होगी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स भी इसको डेफिनेटली अपने पोजिशन में रख लें, क्योंकि 1445 के ऊपर इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ सकता है। तो अगले 7 से 8 दिनों के लिए मुझे ये स्टॉक्स दोनों ही बहुत अच्छे लग रहे हैं, उल्टास और बाटा। इंटरेस्टिंग, बाटा आपका बहुत बढ़िया कॉल है प्रशांत, क्योंकि ये अभी बहुत ज्यादा डिस्कस काउंटर नहीं है, बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म किया है, साइडवेज चला गया, तो इंटरेस्टिंग है। बाय ऑन डिप्स की रणनीति जरूर है, लेकिन वॉच लिस्ट में रखना चाहेंगे इंडेक्स को इस वक्त कुश। ट्रेडिंग आइडियाज क्या होंगे, खरीदारी की कॉल्स ट्रेडिंग आइडियाज में होगी आपकी तरफ से? कुश, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए 2 स्टॉक्स हैं, दोनों ही बाय साइड के हैं। पहला है नवीन फ्लोरिन, अगेन ये स्पेस यू नो हम भी काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, द मार्केट हैज बीन यू नो रिवॉर्डिंग एंड द स्टॉक्स हैव आल्सो बीन रिवॉर्डिंग। 4600 ये मेरा टारगेट है, इनफैक्ट ये मेरा पहला ट्रेडिंग टारगेट है।
4490 इस स्टॉप लॉस से आप खरीद सकते हैं, इसके स्टॉप लॉस से आप ले सकते हैं। दूसरा जो मेरा पिक है दैट इज एलिकॉर्न इंजीनियरिंग, इस स्टॉक में भी हमने अच्छा खासा एक अप ट्रेंड देखा है, ये भी कंटिन्यू रह सकता है। 440 के रेजिस्टेंस को ब्रेक करके इसने क्लोजिंग दी है इसके ऊपर, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 475 तक के लेवल्स आ सकते हैं, 440 अब इसके लिए सपोर्ट एक्ट करेगा। वन क्विक वर्ड ऑन द आईटी स्पेस, आई थिंक वेडनेसडे को जब मैं क्लोजिंग यू नो शो में आया था आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तब हमने यही डिस्कस किया था कि जो सेटअप्स बन रहे हैं फिलहाल और जिस तरीके का नैस्टेक में हम प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं, इट्स नॉट अ गुड आइडिया टू एंटर दीज यू नो स्टॉक्स राइट नाउ। एंड यू नो इंसिडेंटली जो TCS और इन्फोसिस के नंबर्स आए हैं, दे हैव जस्ट प्रूवन दैट पॉइंट। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, आईटी स्पेस में हो सकता है थोड़ा सा आपको यू नो और डिप मिले अगर आप एक अच्छा एंट्री पॉइंट ढूंढ रहे हो तो। सो दैट्स जस्ट अ स्पेशल नोट ऑन यू नो द आईटी स्पेस। ओके ऑलराइट, तो चलिए ये खरीदारी की दो कॉल्स खुश की तरफ से आती हुई, लेकिन एक और स्टॉक